नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी चैनल। इस एपिसोड में कवर करेंगे कुछ बड़ी खबरें जिनमें शामिल हैं निक्की बेला का अंडरटेकर को चैलेंज, बॉबी लेशले का रेसलमेनिया रिटर्न, रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन की दुश्मनी, आंद्रे द जॉइंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच के 29 रेसलर्स का खुलासा और शेन मिकमैन का हील टर्न। तो शुरू करते हैं निक्की बेला से। तो उन्होंने भी जॉन सीना के साथ अंडरटेकर को चैलेंज कर दिया है। रेसलमेनिया एक्सेस में निक्की बेला ने अंडरटेकर के पोस्टर के साथ फोटो क्लिक करवाकर इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड की। उस फोटो में निक्की बेला हाथ पर टाइम देख रही है और कैप्शन दिया है स्टिल वेटिंग, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब जॉन सीना के साथ साथ निक्की बेला भी उन्हें बुला रही हैं। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि इम्पैक्ट रेसलिंग से रिलीज किए गए बॉबी लेशले को न्यू ऑरलियंस में देखा गया है। फरवरी में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने इस बात का खुलासा किया था कि बॉबी लेशले ने WWE को साइन कर लिया और अब एक बार फिर र्यूमर्स की गति तेज हो गई है कि बॉबी लेशले रेसलमेनिया 34 में दिखेंगे। अगली बड़ी अपडेट रोमन रेंस को लेकर। रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले प्लेनेटो रेसलिंग को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। वहीं सवाल जवाब करते समय बीच में यह भी सवाल आया कि रेसलमेनिया के बाद अगर ब्रॉक लेशनर UFC में चले जाते हैं तो फिर आप किसके साथ लड़ना पसंद करेंगे। तो रोमन रेंस का जवाब कुछ इस तरह से था कि मैं डेनियल ब्रायन से लड़ना चाहूँगा, वैसे भी मुझे स्मैकडाउन के रोस्टर्स के साथ लड़ने का मौका कम ही मिलता है, तो वह मेरा ड्रीम मैच होगा। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं एक इंटरव्यू में एजे स्टाइल्स ने भी दी। एजे के मुताबिक डेनियल ब्रायन से फाइट करना उनका ड्रीम है। अगली बड़ी अपडेट है आंद्रे द जॉइंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच के 29 पार्टिसिपेंट्स का नाम सामने आए हैं, जिनमें शामिल है कैन, डॉल्फ जिगलर, बैरन कॉर्बिन, मोजो रावले, एलायस सैमसन, ल्यूक गैलोज, कार्ल एंडरसन, आर ट्रूथ, शिनकारा, टाइटस ओनील, अपोलो क्रूज, बोडलस, कर्टिस एक्सल, माइक कनेलिश, टाइलर ब्रिज, फाडंगो, टाय डिलिंजर, स्कॉट डोशन, डैश विल्डर, मैट हार्डी, गोल्डस्ट, हीथ स्लेटर, राइनो, जैक राइडर, प्रीमो, शेल्टन बेंजामिन, चैट गेबल और एडन इंग्लिश। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अभी एक रेसलर्स का नाम आना बाकी है और वो कौन होगा उसकी उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से रेसलर्स वापसी के लिए तैयार हैं, जिनमें बिग शो, बिग कैश, समोआ जो आदि, तो यहाँ पर कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट के पास, जो कि जुड़ी है स्मैकडाउन के कमिश्नर और फॉर्मर WWF चैंपियन शेन मिकमैन से। खबरें आ रही हैं कि शेन मिकमैन रेसलमेनिया में हील टर्न लेने वाले हैं। WWE रेसलमेनिया में शेन मिकमैन को डेनियल ब्रायन के खिलाफ खड़ा कर सकती है। खबरों के मुताबिक शेन मिकमैन अपने साथ हुए खराब व्यवहार का दोष डेनियल ब्रायन को देंगे और इसी के चलते केविन ओवंस और सैमी ज़ेन ये मैच जीत लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। WWE की सारी बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहे WWE न्यूज हिंदी चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।